संसद की सुरक्षा चूक मामले पर सत्र के 10वें दिन यानी कि 15 दिसंबर दोनों सदनों में कामकाज ठप रहा। विपक्षी दलों के सांसदों ने लगातार दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान और इस्तीफे की मांग कर डाली है। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जैसे ही कुर्सी पर बैठे विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद बेल तक पहुंच गए थे। इसके बाद संसद की कार्यवाही सोमवार यानी कि 18 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। इससे पहले शुक्रवार को सदन के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने विपक्ष के 14 निलंबित सांसदों ने प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि दोनों सदनों में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने इन सांसदों से मुलाकात की।